तो फिट एंड फाइन हूँ। बाहर थे भाई 4 टाके, अंदर थे भाई 6 टाके। 6 टाके अंदर आए थे, पूरे 10 टाके थे भाई, और पूरे 10। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जय श्री राम भाई, आपका फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो भाई कल जैसे कि देख लिया होगा, टाँगे तो कट गए थे, टाँगे कट गए भाई कल, अभी थोड़ा सा दर्द है, हल्का हल्का सा, बाकी सब कुछ ठीक है, फिट एंड फाइन। तो अभी सो के ऊपर आया हूँ, सोचा व्लॉग ही शुरू कर लेते हैं, व्लॉग शुरू कर लिया भाई। सूर्यदेव निकल गए, जय सूर्यदेव की जय। तो भाई अभी आज इसकी थोड़ी सी सफाई करूँगा, थोड़ा सा खून जमा हो रहा है, लग रहा है बाहर, डिटॉल से साफ सफाई करेंगे अभी नीचे जाके, रेडी होते हैं पहले नहा के, तो इसकी साफ़ सफाई करूँगा थोड़ी सी, बाकी तो सब कुछ ठीक है। पर एक दो दिन प्रिकॉशन रखेंगे, आज भी ज़्यादा कुछ कष्ट काया नहीं देंगे इसे, तो बाकी तो सब ठीक ही है। तो अभी नीचे चल के रेडी होते हैं, पहले थोड़ा घूम लेता हूँ भाई, अभी भी सो के आया हूँ, घूमेंगे थोड़ा, फिर नीचे जाके रेडी होंगे, ताज़ी हवा ले लेते हैं सुबह सुबह की। तो आज का सीन कुछ ऐसा है भाई, वैसे तो बना रहा था दिल्ली जाना, सोच रहा था, पता भी होगा प्रोटेस्ट पर बैठे हैं हमारे देश के खिलाड़ी या पहलवान है रेसलर्स, पर आज नहीं कल चलेंगे वहाँ, संडे के दिन कल, आज सैटरडे के दिन आज नहीं जा रहा, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर भी इतना जोर नहीं देते एकदम से, तो आज और बचाएंगे इसे, फिर कल चलेंगे पक्का। कल जहाँ तक है बना लिया प्लान, कल तो जाना ही है, आज नहीं जा पाए। तो अभी नीचे जाके रेडी होते हैं, पहले घूम लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, रेडी हो गया भी लेंगे, अब बातें करेंगे, इसकी साफ़ सफाई कर लूँगा आज डिटॉल से थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई नहा के रेडी हो गए हैं, मम्मी ने टिक्का लगा दिया पूजा करके, फिट बिल्कुल। अब थोड़ा बाहर को चलते हैं, काम करके आएंगे थोड़ा सा, देखता हूँ मैं बाजार का काम भी कर आऊँ, थोड़ा सा सराय का काम है भाई, बाजार में चलेंगे थोड़ा सा, अपने गांव में थोड़ा सा करके आऊँगा, जाऊँगा मैं बाजार में जाऊँगा, ठीक है, है मुझे कुछ लाना, तो चलते हैं भाई थोड़ा बाहर को, चलो। तो भाई सराय आ गए हैं, और आज खाएंगे बिरयानी, बहुत दिन बाद भाई गए हैं, हाथों लगवा दे भाई, हैं मेरी तरफ से, चल मेरी तरफ से कर दे भाई, आज तो बहुत दिन में आए हैं, सब ठीक ठाक, बढ़िया बेहतरीन, लगा दो बढ़िया बढ़िया जी, मैं पूछ तो ले किसी से, खा लेने में पी ले, लग गया अपना अभी खान, चाप डाल दी, चलो लगा दो, सही सी बढ़ा दो, आज तो बहुत दिन में चोट लगी थी मेरे भी, आज तो बहुत दिन में खा रहे, हाँ भाई बिरयानी का मज़ा लेंगे आज, बहुत दिन बाद आए भाई के पास, बेहतरीन सी लगा दो। अरे मारेगा इसे, रहन दे, बेहतरीन से बना दे भाई गिलास, कड़क से बना दे, आँख से खोल दे आँख, हाँ ठंडा नॉर्मल रह गया भाई, कड़क से बनवा दे, आँख से खुलवा दे। तो भाई बाजार का काम करके आगे सामान लेके भी अब आसु गन्ने का रस करवा रहा है मजे में, एक गन्ने का रस चिल्ड चिल्ड पियेंगे, और भी घर की तरफ चलेंगे, घर चलेंगे सीधा, हंगाई कर रहा है वो, लल्ला रहन दे, हंगाई करने को रहने दे, करेगा हंगाई, मेरी साथ न करे, आने दो जी, आ लिया, मेरी साथ न करे हंगाई, छोटे भाई हैं, करेगा हमारे साथ हंगाई, हाँ छोटे भाई के साथ हंगाई हो गए, अरे हाँ बस तो ठीक है, बहुत भाई मजा आ गया भाई, एक नंबर, बैठ के पियेंगे बैठ के, बहुत दिन में भी आ भाई आज गन्ने का रस। तो भाई घर पे आ गए हैं शॉपिंग करके बाजार से, सामान भी लाए थोड़ा सा, मम्मी तो जवे तोड़ रही है, मम्मी तो जवे तोड़ रही है, मम्मी डेली जवे तोड़ रही हो, 3 दिन में तोड़े यार, 3 दिन में, चलो कुछ तो काम पा रहा, मम्मी भाई डेली अब जवे तोड़ रही है, पूछाने भी है मम्मी को बहन के यहाँ भी, मम्मी भूख तो बहन ही, थोड़ा सा वो खाया बिरयानी खाया था,
बाजार में आज थोड़ी सी बिरयानी खा के आया, बहुत दिन हो गए थे, धीरे धीरे मुंह चला के बिरयानी खा के आए भाई। अब खाने तो लेट खाएंगे हैं। अरे इतने दिन में तो खाई, आज महीनों में खाई होगी, आज खाने ही अब खाया एक दो दिन में, कल से तो खाना शुरू करा, 10 दिन में तो खाया खाना, तो खा लूँ ना अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में खाना खाएंगे, अभी बिरयानी खाया है, थोड़ी देर में खाएंगे भाई खाना बढ़िया लस्सी उस्सी के साथ। अब एक दो दिन डाइट मारूंगा, ठीक है, एक दो दिन है जब गए। वो भी ले आता है कि रियल जूस का डिब्बा? जूस का डिब्बा, जूस का डिब्बा ले आऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो भाई अब थोड़ा सा लेटते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर खाना खाएंगे मम्मी के साथ, इतने मम्मी जब तोड़ लेगी अपने, तो अभी थोड़ा आराम करेंगे। तो भाई खाना रेडी है, खाना आज मम्मी के साथ खा रहे हैं, और खाने में भाई दाल आलू की सब्जी और मट्ठा, बहुत बढ़िया, आज मम्मी के साथ खाना खाएंगे भाई, मस्त खाना बनाया आज, दाल बनाई मनपसंद बढ़िया मम्मी ने। मम्मी चलो तो लो आराम करो। भाई चल गया शाम का टाइम है, भागवत कथा चला दी मम्मी ने, भागवत कथा सुन रहे हैं बागेश्वर धाम की, अभी थोड़ा सा कुछ दूध चाय वगैरह ले लूँ, थोड़ा सा चाय से ले लेंगे या दूध, फिर बाहर चलेंगे, देखता हूँ बाहर चलेंगे, थोड़ी सी देर खेलने चलेंगे या तो फिर या कहीं और चलेंगे, तो फिर दूध ले लेते हैं थोड़ा सा। मम्मी रेडी है चाय वाय दूध मेरी रखी हो, चाय चाय है, दूध में पत्ती लगाई, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा बिस्किट खा लेंगे और फिर थोड़ा बाहर चलेंगे। भाई अभी बाहर को आए हैं, आराम से बैठे हैं शांति में, कोई खेल ही नहीं रहा ग्राउंड में, कल भी नहीं था आज भी नहीं है कोई, आराम से यही बैठ के चलेंगे थोड़ी देर, बढ़िया मौसम हो रहा भाई घूमने लायक खेतों में, मज़ा आ रहा, सूरज काफ़ी बढ़िया है भाई सीन, सनसेट का मज़ा आ रहा है, फोन में गुजर रही है, घूम भी लें थोड़ा सा भाई, फूल मज़ा आ रहा है। कोयल बोल रही भाई, जितनी तेज बोल लगे उतनी तेज बोल लगी भाई है, अब चुप होगी, बोल अब नहीं बोल रही चुप। तो भाई अभी थोड़ी देर में घर चलेंगे, अभी यहीं बैठ जाते थोड़ी देर, हाँ बोलगी बोलगी, देख रहा कैसे कर रही हो भाई। अभी घर पे आ गए हैं, आज सैटरडे का दिन है, तो अब जोत जलाने चलेंगे मंदिर में, मम्मी ने बोला था फोन करके बुलाया जल्दी। क्या कर रही हो मम्मी? चप्पल भाई, मम्मी की चप्पल बंदर ने काट दी, कहाँ है चप्पल, दिख गई हो कटी हुई भाई, मम्मी की चप्पल काट दी बंदर ने, अंधेरे में दिख भी नहीं रही, सारी चप्पल उठा के ले गया था बंदर, मम्मी की चप्पल काट दी। अरे मम्मी ने भाई देखो क्या चला रखा, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा मम्मी करोड़पति, मैं बनूंगा है, ठीक बनेंगे करोड़पति बनेंगे भाई, बागेश्वर धाम बन के खत्म हो गया, अब मम्मी ने चला दिया कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन, यह तो भाई मंदिर में चलते हैं, मंदिर में जोत जला के आएंगे आज, चलो भाई रसोई में चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं आज क्या बनाया, आज क्या बना रही हो? अब देख ये करेले धरे, ये सलाद काट दिया, करेले करेले, अच्छा अब बनाऊंगी रोटी करेले से, करेले से खानी, दही भी लेगा, दही तो लूंगा जरूर, दही
इतने दिन हो गए पिए भी, अब तो लोगों दी दही निकाल लो, ठीक है। हाँ दही करेले से, ठीक है भाई, करेले से खाएंगे आज रोटी, ठीक है। ये क्या लगा रखा, पता नहीं क्या चल गया, करोड़पति खत्म हो गया, इसे बंद करो। तू सा लगाते हैं तो भाई बना लो मम्मी जल्दी, एक एक दो दो रोटी खा लेंगे, ज्यादा तो भूख है नहीं, ठीक है ठीक है। तो भाई खाना वगैरह खा के ऊपर आ गया हूँ घूमने के लिए, अभी मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है भाई, तारे वगैरह बिल्कुल नहीं है, चांद भी भाई घटा में हो गया, पूरा बिगड़ गया, तो दिखाता हूँ पूरा भाई सब कुछ, और हल्का हल्का सा झारा भी आ रहा है। तो आज घूमते घूमते बात करेंगे, चलो आज भाई कई लोगों के सवाल थे तो पूछ रहे थे जो अपने यारे प्यारे हैं भाई दोस्त, कि कैसे हुआ था ये जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, इंजरी हुई थी मुझे, ये कैसे हुई थी, क्या हुई थी, तो आज इस बारे में बात करेंगे, बैठ के करते हैं, चलो बैठ जाता हूँ, आज इसके बारे में बताऊँगा, इधर बैठ के करेंगे आराम से। हाँ तो भाई आराम से बैठ गया, बोतल ले आया हूँ पानी की, यहीं पे पिए के यहीं से चलेंगे फिर नीचे, थोड़ी देर बातें करते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, ये बात है भाई 19 डेट की, 19 तारीख की बात है, तो जैसे कि व्लॉग में देख लिया होगा आप सब ने, भाई सीन कुछ ऐसा था, हम जा रहे थे व्लॉग में देख लिया होगा, CCS यूनिवर्सिटी में जा रहा था मैं मेरठ में, तो कैंपस की तरफ से हम इन्विटेशन कार्ड देने गए थे, मतलब अपने कॉलेज की तरफ से इन्विटेशन कार्ड देने गया था मैं, मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड थे उनके साथ, तो हम गए भाई, तो लंच का टाइम तो हो ही रहा था दोपहर, भाई वहाँ पे काफ़ी समय हो गया 2-3 घंटे हमें, तो भूख लग रही थी, मेरा जो टिफ़िन था वो मेरे कॉलेज में ही रखा था, मेरे बैग में ही था वो टिफ़िन मेरा, तो भूख लगी भाई दोपहर में लंच के टाइम पे, तो मैंने बोला कि रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं चल के। तो सारे फ्रेंड हम चल दिए भाई रेस्टोरेंट में बैठ के, रेस्टोरेंट में खाना पीना खा लिया, वो लोग में देख लिया, खाना पीना सब ओके हो गया था भाई सब कुछ, तो कोल्ड ड्रिंक का मन किया, कोल्ड ड्रिंक लेके आया मेरे फ्रेंड कि कोल्ड ड्रिंक ले ले, तो कोल्ड ड्रिंक भाई उन्होंने सबने खोल ली थी अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक, तो मेरी कोल्ड ड्रिंक जो थी वो जैसे मैंने मुझे दे दिया कोल्ड ड्रिंक मेरा, तो मैंने भाई मुँह से खोला, वो मुँह से नहीं खोलना था, वो मेरी गलती थी, वो मुँह से खोलने लगा मैं, तो मुँह से खोलती भाई वो जो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर का कांच होता है वो सारा टूट के मेरे यहाँ इसमें होठ में लग गया भाई, अंदर से कटा था जो कि देखा भी होगा व्लॉग में, वो सारा भाई अंदर से कट के उसने काफ़ी डीप कट दिया भाई, टाके थे भाई 10, अब तो खैर बिल्कुल फिट एंड फाइन हुआ आप लोगों की दुआ से, आप लोगों का प्यार था भाई, छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद था, तो बिल्कुल फिट हूँ। डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था, शायद ऊपर वाला होठ कट जाता है या नीचे वाला यहाँ से कट जाता तो भाई ज़िंदगी भर के लिए निशान रह जाता, और भी कुछ नुकसान हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं भाई, प्यार है आप लोगों का। तो भाई डीप कट दिया अंदर से, तो जो बहुत ज़्यादा डीप था, बाहर फिर भी थोड़ा कम है, अब दिख रहा होगा कल टागे कटे, अब तो फिट एंड फाइन हूँ, बाहर थे भाई 4 टाँगे, अंदर थे भाई 6 टाँगे, 6 टाँगे अंदर आए थे, पूरे 10 टाँगे थे भाई, और पूरे 10 दिन में कटे हैं भाई, कल पूरे 10 दिन में, अब तो भगवान की दुआ से सब ठीक है। तो अंदर तो भाई इतना डीप कट था, जिसने नहीं देखा व्लॉग में देख लेना, 6 टाँगे अंदर थे और 4 टाँगे बाहर थे भाई, ऐसा कुछ हुआ जैसे बोतल खोली ना भाई, बोतल खुल भी गई थी, मैं बताता हूँ बोतल खुल भी गई थी, ऐसा नहीं बोतल नहीं खुली, वो बोतल खुली गैस से निकली, और फिर एकदम से ना, या तो यार वो पहले ही तिड़की हुई थी, लग के कुछ कांच शायद लूज हो रहा, उसका कांच वगैरह पहले टूटा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो भाई कांच ही टूट गया उसके ऊपर, और वो सीधा गाल में लगा, उसमें गाल में कह रहे लिप्स में लगा मेरे होठ में, और वो सारा फट गया भाई, ये हुआ था भाई सीन। कोई कुछ बोल रहा है कि लड़ाई हुई थी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अपने अपने सब तर्क वितर्क दे रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं था भाई, मैं सबके डाउट क्लियर कर देता हूँ भाई, बोतल ही लगी थी कोल्ड ड्रिंक की। और हाँ एक और भाई अपनी इस इंसिडेंट से मैं एक और कह दूँ, एक बात और बता दूँ आप सबको, कि भाई कभी भी अगर कांच की बोतल लो तो ऐसे मत खोलो भाई, बिल्कुल भी मत खोलियो भाई, ज़्यादा भी नुकसान हो सकता था, मेरे भी ज़्यादा भी चोट लग सकती थी, तो कभी ऐसा मत करना भाई, बिल्कुल भी मत खोलना मुँह से, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की कैरी करो बोतल, और वो भी हो तो ओपनर से खोलो, कांच की हो तो, मैं ये बताना चाहता हूँ भाई अपनी इस स्टोरी के माध्यम से, भाई यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैंने तो कर दी गलती, आप लोग बिल्कुल मत करो ऐसी गलती, मत करो भाई, करो ही मत, हाँ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मैं भी पछताया भाई करके बाद में, हालांकि मेरे से होगी गलती, गलती करके सीखता इंसान, पर हो गया, अब मैं भाई सबको बता रहा हूँ मत करो भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो ऐसा। तो भाई आज का भी लोग इसी स्टोरी के साथ एंड करते हैं, अब घूम के थोड़ा नीचे जाऊँगा, थोड़ा घूम लेता हूँ भाई, काफ़ी परेशानी हुई थी, अभी कुछ 1-2 दिन से खाना शुरू किया है, आज थोड़ा आज खाया, कल खाया था खाना, अब भाई
शरीर भी थोड़ा लूज़ हो गया, हो ही जाता है भाई, 10 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो अभी घूम के नीचे जाऊंगा भाई। अब 1-2 दिन से पेट भर खाना खाना शुरू कर दिया, तो भाई अब नीचे जाऊंगा घूम के। तो आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं भाई, स्टोरी आपने सुनी ली मेरी, तो आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक है ये मत भूलो यार बिल्कुल भी। ओके गुड बाय, बाय, लव यू।